श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे जनसंख्या विस्फोट पे थोड़ी सी बातें। बुद्ध के ज़माने में इस देश की आबादी 2 करोड़ थी। लोग अगर खुशहाल थे तो कोई सदयुग के कारण खुशहाल नहीं थे, ज़मीन थी ज़्यादा और लोग थे कम। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय बनी हुई है। इसके आंकड़े दिन प्रतिदिन छलांग लगाते ही जा रहे हैं। वर्तमान में पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब के पार जा चुकी है। 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या लगभग 1.22 करोड़ थी, मतलब 122 करोड़ के आसपास, जो पूरे वर्ल्ड की आबादी का लगभग 17 से 18% के आसपास है। देश में तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र में आए नित नए परिवर्तनों ने खतरनाक बीमारियों और मृत्यु दर को घटाया है, लेकिन जन्म दर को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए, जिसका नतीजा देश में बढ़ती लोगों की भीड़ है। गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण जनसंख्या नियंत्रण के ठोस कदम प्रभावी नहीं हो पा रहे। देश में जहाँ भी नज़र दौड़ाए भीड़ भीड़ दिखाई पड़ती है। आबादी अधिक होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर दोहन हो रहा है, जिससे संसाधनों के भविष्य में कम पड़ने की पूरी संभावना है और हो भी रही है। इनके कम या समाप्त होने पर पृथ्वी पर जीना असंभव हो जाएगा और हम अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जीने के मूल स्रोत ही नहीं बच पाएंगे। मनुष्य जाति फिर उस बिंदु के करीब आ रही है जहाँ वह अपने को बढ़ाकर समाप्त हो सकती है। बुद्ध के ज़माने में इस देश की आबादी 2 करोड़ थी। लोग अगर थोड़े खुशहाल थे तो सदयुग के कारण नहीं थे, आपको बता चुका हूँ। लोग कम थे, ज़मीन ज़्यादा थी। अतीत की जो हम स्मृतियाँ लाए हैं खुशहाली की, वे खुशहाली की स्मृतियाँ नहीं हैं, वो स्मृतियाँ हैं ज़मीन के ज़्यादा होने की, लोगों के कम होने की। भोजन ज़्यादा थी, लोग कम थे, इसलिए खुशहाली थी। सारी मनुष्य जाति की संख्या, और अगर हम 2000 साल पीछे चले जाएं बुद्ध से, तो आज से 5000 साल पहले सारी पृथ्वी की संख्या ही 2 करोड़ थी। पृथ्वी इतनी ही है और हम प्रतिदिन उस संख्या से बढ़ रहे हैं कि अंदाजन 1.5 लाख लोग रोज़ बढ़ जाते हैं। जितनी देर मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ, जितनी देर आप हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं, उतनी देर मनुष्यता शांत नहीं बैठी होगी और ना तो शांत बैठी रहेगी। उस घंटे भर में या इस 10 मिनट में हज़ारों लोग बढ़ चुके होंगे। ये सदी पूरी होते होते अगर दुर्भाग्य से आदमी को समझ में ना आई तो इस सदी के पूरे होते होते यानी आज से 30-40 वर्ष बाद ज़मीन पर कोई नहीं हिलाने की जगह भी नहीं रहेगी। तब सभाएं करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम 24 घंटे सभाओं में ही होंगे। यह हो नहीं पाएगा, कोई न कोई सौभाग्य युद्ध महामारी, कोई न कोई सौभाग्य मैं कह रहा हूँ इसे होने नहीं देगा। लेकिन अगर यह महामारी और युद्ध से हुआ तो मनुष्य की बुद्धि पर बड़ा कलंक लग जाएगा। जिन डायनासोर की बात की जाती है, जिन छिपकलियों की बात की जो हाथियों से बड़ी थी, अब नहीं है। उनके पास कोई बुद्धि नहीं थी, शरीर बहुत बड़ा था, वे कोई उपाय न कर सके, वे कुछ सोच न सके, वे मर गए। हम सदा से ऐसा सोचते रहे हैं कि आदमी सोचने वाला प्राणी है, हालांकि आदमी सबूत नहीं देता इस बात का। और अगर 50 सालों से आदमी की जितनी समझने की कोशिश की गई है, उतना ही पुराना विश्वास कमज़ोर हुआ है। वह जो रैशनल बीइंग का ख्याल था वह कमज़ोर हुआ है। आदमी भी विचारवान प्राणी नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है अत्यंत विचारहीन कर रहा है। और सबसे बड़ी विचारहीनता जो हम कर रहे हैं आज, वो संख्या को बढ़ाए जाने की। इस समय वो आदमी उतना बुरा नहीं है जो किसी की हत्या कर देता है, उतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है, बल्कि कौन जाने वो आदमी कुछ अच्छा ही काम कर रहा हो मनुष्य के भविष्य को निर्मित करने के लिए। मैं नहीं कहता कि कोई हत्या करे, कोई हत्यारे को हत्या करने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन हत्या उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना एक नए बच्चे को जन्म देना बड़ा अपराध हो गया है, क्योंकि हत्या से एक आदमी मरेगा और एक बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया अगर जारी रहती है तो पूरी मनुष्यता भी मर सकती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। ये भी हमने एक पुस्तक थी ओशो की, जनसंख्या विस्फोट, वहीं से मैंने उठाया है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।